हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। डेली की तरह मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस लेके आ गई हूँ। आप सभी भी रेडी हो जाइए क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए, अपना रैंक देखने के लिए, आप किस टॉपिक में कमज़ोर है उसको चेक करने के लिए, और जिस टॉपिक में कमज़ोर है उसको बार बार रिवाइज कीजिए और उस टॉपिक को क्लियर कीजिए। दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का सिलेबस सेम ही है। तो मेरे चैनल में थ्योरी सेशन, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू, वन लाइनर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, सभी चीज़ें अवेलेबल है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और चेकआउट कीजिए और अध्ययन कीजिए। और मैं डेली बेसिस पे 8 से 9 हज़ार क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रही हूँ। दोस्तों, यह 76वां वीडियो है, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक चलता रहेगा। और जितना ही मैंने कराया है उतना आप सही ढंग से कर लेंगे तो आप 100% सक्सेस होंगे। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है कि एनआईएस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आप सबको पता है एनआईएस की स्थापना नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, इसकी स्थापना 7 मई 1961 को हुआ था। लेकिन प्रारंभ में 7 मई 1961 को यह एनआईएस के नाम से स्थापना हुआ था, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के नाम से। लेकिन 23 जनवरी 1973 ईस्वी में इसका नाम बदला गया एनआईएस से एनएसएनआईएस, यानी नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। कब रखा गया? 23 जनवरी 1973 में। एंड दोस्तों, 1987 में राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और खेल संघ, यानी सोसाइटी फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, सनिपेस जिसे कहा जाता है, को साई में मिलाया गया। ये क्वेश्चन दोस्तों आया था आपके एमपीटेट में कि सनिपेस को साई में कब मिलाया गया था, तो 1987 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, शारीरिक शिक्षा के जैविक यानी बायोलॉजिकल आधार में सन्निहित है। तो बायोलॉजिकल में आप, तो दोस्तों यहाँ पे जैविक कारण पूछा है, पर्सनालिटी पे आता है, बट यहाँ पे आपका लैंगिक विशेषताएं यह भी होगा। तो लैंगिक विशेषताएं और शारीरिक गठन, ये दोनों बायोलॉजिकल आधार है। ठीक है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो ये दोनों बायोलॉजिकल आधार है। तो यहां पे राइट हो जाएगा ख, क्या हो जाएगा? ख आपका राइट होगा। पर्सनालिटी तो एनवायरमेंट एंड वातावरण दोनों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है कथन अभिकथन के क्वेश्चंस हैं। अभिकथन ये है कि शारीरिक शिक्षा एक ऐच्छिक विषय है, शारीरिक शिक्षा एक ऐच्छिक विषय है, और बात सही है। शारीरिक आर है, तर्क आर है कि शारीरिक शिक्षा विषय में अन्य सहसंबंध विषय लिए जाते हैं। तो ये बात तो सही है कि सहसंबंध अन्य विषय लिए जाते हैं, जैसे कि खेल चिकित्सा, जीव विज्ञान, ये सब जुड़े हुए हैं शारीरिक शिक्षा से, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान जुड़े हुए हैं। लेकिन है दोनों सही, लेकिन ये कह रहा है कि शारीरिक शिक्षा एक ऐच्छिक विषय है, इसके बारे में आर को तर्क देना चाहिए थे, ये तर्क नहीं दे रहा है। लेकिन आपका सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों राइट है, बट आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है कौशल यानी स्किल सीखने में सूचना संसाधन मॉडल, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल 4 घटकों कंपोनेंट से निर्मित होता है, इन घटकों को क्रमवार व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम करते हैं इनपुट, उसके बाद करते हैं निर्णयन, उसके बाद करते हैं आउटपुट, लास्ट में फीडबैक आता है। तो कौन सा राइट हो जाएगा? सबसे पहले इनपुट यानी कि 2 हम करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ग आपका राइट होगा। नेक्स्ट है कि यहां पे मिलान करना है, ओलंपिक से रिलेटेड है कि 1936 का ओलंपिक कहां हुआ था? बर्लिन जर्मनी में हुआ था, तो 1 का 2 हो जाएगा। एंड 1948 का हुआ था,
लंदन इंग्लैंड में, तो 2 का 1 हो जाएगा, 1 का 2, 2 का 1। एंड 1980 मॉस्को रूस में हुआ था, तो आपका ये हो जाएगा 4। एंड 1988 सियोल दक्षिण कोरिया में हुआ था, यहाँ पे हो जाएगा 4 का 3। इस प्रकार ऑप्शन नंबर घ राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अंग मानव शरीर में अंतःस्रावी एंडोक्राइन के साथ बहिस्त्रावी कार्य भी करता है? तो दोस्तों, जो अंतःस्रावी और बहिस्त्रावी दोनों का कार्य करता है उसको मिक्स ग्लैंड कहते हैं, और वो है पैंक्रियाज यानी अग्नाशय, जिसमें से हार्मोन्स और एंजाइम दोनों स्रावित होते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र रक्त संचार सिस्टेमिक सर्कुलेशन का उद्देश्य है? तो क्या उद्देश्य है दोस्तों? ऑप्शन है कि शरीर के प्रत्येक भाग में ओटू तथा पोषक तत्वों की आपूर्ति। राइट है, समझ, शरीर में रक्त का संचार होता है, उसके साथ साथ ऑक्सीजन एवं पोषक तत्व भी उसके साथ संचार होते हैं, तो समझ शरीर में वो भी पहुंच जाता है। एंड यहां पे हो जाएगा 3rd ऑप्शन कि शरीर के प्रत्येक भाग से CO2 तथा दूषित पदार्थों का निष्कासन। तो 2 चीजें हो जाएगा, 1 और 3rd किसमें दिया है? ख में। यानी कि समग्र शरीर में रक्त को पहुंचाने का उद्देश्य होता है कि शरीर के प्रत्येक भाग में O2 एंड पोषक तत्वों की आपूर्ति हो, और वहां पे जो भी कार्बन डाइऑक्साइड या दूषित पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, अभिकथन से रिलेटेड है। अभिकथन ये है कि कंकालीय यानी कि स्केलेटल मसल्स को ऐच्छिक यानी कि वॉलंटरी मांसपेशी भी कहा जाता है। राइट है। एंड आर है कि मांसपेशियां मशीनें हैं जो रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। तो यहां पे दोनों राइट है दोस्तों, ठीक है, लेकिन राइट तो दोनों है। पहला में कहा गया कंकाली पेशी को ऐच्छिक पेशियां भी कहा जाता है, कैसे कहा जाता है इसको आर में बताना चाहिए था, लेकिन नहीं बताया है, तो यहां पे ख राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों राइट है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है, बृहदान्त्र यानी कोलन यानी कि बड़ी आंत की बात कर रहा है कि कितने भाग हैं? तो सिग्मोइड, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स, असेंडिंग, सिग्मोइड, ये 4 भाग होते हैं। तो इसको आपको सीक्वेंस बाय करना है। तो सबसे पहले आपका आएगा असेंडिंग, ठीक है, उसके बाद आपका आएगा ट्रांसवर्स, उसके बाद आपका आएगा डिसेंडिंग, उसके बाद आएगा अवग्रहांत, ठीक है। इस प्रकार आपका राइट हो जाएगा क। इसके बारे में आप भी डिटेल में जानना चाहते हैं पाचन तंत्र के सभी पार्ट्स के बारे में, तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाइए, सभी चीजें आपको डिटेल में मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, आपको मिलान करना है सोलियस मांसपेशी निचले पैर में होती है दोस्तों, एंड सार्टोरियस मांसपेशी जो है जांग की मांसपेशी है, आप सबको पता है, जिसे टेलर मसल भी कहते हैं। ट्रेपेजियस मांसपेशी जो है वह ऊर्ध्व पीठ यानी अपर बैक गर्दन के पीछे की मांसपेशी है। एंड पेक्टोरलिस मेजर छाती की मांसपेशी है, जिसको हम थ्रोअर मसल भी कहते हैं, वक्ष की मांसपेशी। तो 10 का कौन सा राइट हो जाएगा? ख आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, अग्र धरातल यानी फ्रंटल प्लेन शरीर को विभाजित करता है। तो प्लेन यानी तल 3 प्रकार के होते हैं, सेजिटल, फ्रंटल, हॉरिजॉन्टल। सेजिटल शरीर को दाएं बाएं भागों में बांटता है और गति आगे पीछे फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता है। और जो फ्रंटल प्लेन होता है शरीर को आगे पीछे बांटता है और शरीर गति जो है दाएं बाएं होती, अगल बगल होती है, यानी एब्डक्शन एडक्शन होता है। एंड तीसरा होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो शरीर को ऊपर नीचे भागों में बांटता है और इसमें रोटेशन और रोटेटरी मूवमेंट होता है, यानी कि सर्कमडक्शन मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे फ्रंटल प्लेन पूछा है, यानी कि शरीर को आगे पीछे बांटता है, यानी कि फ्रंट और बैक, यहाँ पे राइट हो जाएगा क। नेक्स्ट है,
बल गति विज्ञान काइनेटिक्स किसका अध्ययन करता है? तो बल गति विज्ञान काइनेटिक्स किसका अध्ययन करता है? यह आवेग एंड फोर्स, इंपल्स एंड फोर्स यानी बल का अध्ययन करता है। तो 2 and 4 कहां पे है? ग यहां पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिकथन ए है कि बाइल का स्त्राव यानी कि जो पित्तरस होता है उसका स्त्राव लीवर से होता है, बात राइट है। पित्तरस का निर्माण भी लीवर में होता है और स्त्राव भी लीवर में होता है। स्त्राव होकर के वो गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में जमा होता है और यह वसा के पाचन में सहायक होता है। आर है बाइल छोटी आंत के डोडिनम में जाकर वसा के पाचन में सहायक होता है। वेरी गुड, दोनों ऑप्शन आपके राइट है, ठीक है, दोनों ऑप्शन राइट है और दोनों सही, आर जो है सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए क राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है उक्कड़ बैट जकूद की संपूर्ण गति संरचना में निम्नलिखित अवस्थाएं सन्निहित हैं। तो आपको देखना है दोस्तों, सबसे पहले जमीन पर आना तो लास्ट में हो जाएगा, जमीन पर आना लास्ट में होगा। आपको नहीं भी आता है तो जमीन सीक्वेंस देखिए, जमीन पर लास्ट में आएगा, कोई कूद है जंप कर रहा है लास्ट में जमीन पर ही आएगा। तो वहां देखिए जमीन पर आना किसमें दिया, चौथा आपका हो गया, तो आपका घ ऑप्शन राइट हो जाएगा। यही ट्रिक है ना आने पर। तो क्या हो जाएगा, नीचे आना पहले, फिर ऊपर जाना, फिर टेक ऑफ लेना, टेक ऑफ लेने के बाद लैंडिंग होता है जमीन पर आना, तो टेक ऑफ के बाद लैंडिंग आपका ए राइट हो जाएगा घ। नेक्स्ट है कब्जेदार जोड़ को मिला, इन सबको मिलाना है आपको 15वां क्वेश्चन में। कब्जेदार जोड़ जिसे हिंज ज्वाइंट या कोर संधि भी बोला जाता है, तो ये एक दिशा में गति होती है, एक तल में, जैसे दरवाजा एक तरफ घूमता है, तो ये हमारे एल्बो ज्वाइंट नी ज्वाइंट उंगलियों का जुड़ाता है। तो यहाँ पे 1 का हो जाएगा थर्ड यानी कोहनी, तो 1 का थर्ड किसमें दिया है, ग में दिया है, देख लीजिए राइट हो जाएगा यही। एन धुरा भी यानी प्योर ज्वाइंट जो धुरी पर घूमता है, हमारा गला यानी गर्दन हो जाएगा, तो 2 का 4 हो जाएगा। एंड बाण साकेट जो है हमारा कंधा और हिप होता है, तो कंधा नहीं दिया हिप दिया है, यहाँ पे हिप आपका राइट हो जाएगा 3 का 2। एंड सरकने वाला ग्लाइडिंग ज्वाइंट कार्पस और टार्सस हड्डियां होती है, तो कलाई आपका हो जाएगा 4 का 1, ठीक है। इस प्रकार आपका राइट आंसर है ग। नेक्स्ट है आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम लर्निंग का गौड़ नियम है। तो दोस्तों आपको देखना है कि मुख्य नियम है तत्परता का नियम यानी लॉ ऑफ रेडीनेस, एंड एक्सरसाइज अभ्यास का नियम, प्रभाव यानी इफेक्ट का नियम, और यहाँ पे तीनों आपके हैं मुख्य नियम। तो गौड़ नियम कौन हो जाएगा, गौड़ नियम हो जाएगा आसन निकाल रिकवरी का नियम। नेक्स्ट है पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व के सिद्धांत है। तो दोस्तों यहाँ पे मैस्लो का आवश्यकता सिद्धांत नहीं है क्योंकि यह अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, तो आपका व्यक्तित्व का सिद्धांत हो जाएगा सोशल लर्निंग थ्योरी और ट्रेट थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी और ट्रेट थ्योरी। तो दूसरा और तीसरा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन से रिलेटेड है। अभिकथन ए है कि सहयोग की कमी के कारण टीम का कार्य निष्पादन यानी परफॉर्मेंस घट जाता है, राइट है। एंड आर है कि समूह संशक्ति का अर्थ है किसी समान लक्ष्य को हासिल करने के लिए समूह के सदस्यों में एकजुटता है। तो दोनों ऑप्शन आपका राइट है, तो यहाँ पे ग राइट हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक कॉग्निटिव प्रक्रिया में शामिल है। तो दोस्तों संज्ञान यानी बुद्धि से रिलेटेड या होता है, चिंतन से रिलेटेड होता है संज्ञानात्मक कॉग्निटिव प्रक्रिया जो होती है। तो सबसे पहले हमारे अंदर संवेदना पैदा होगा, तो पहला नंबर पर ए हो जाएगा, फिर उसके बाद प्रोसेप्शन प्रत्यक्षण होगा, क्या होगा, उसके बाद दोस्तों हम सोचेंगे उसके बारे में थिंकिंग करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, संवेदन, फिर प्रत्यक्षण, फिर क्या करेंगे, चिंतन यानी कि थिंकिंग करेंगे, उसके बाद समस्या का समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये सीक्वेंस आपका राइट है, ऑप्शन नंबर क सही है। कॉग्निटिव थ्योरी यानी संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है जीम पियाजे ने, भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपको मिलान करना है,
तो दोस्तों आपका हो जाएगा नेतृत्व जो हो जाएगा वो होगा स्वेच्छाचारी शैली, ऑटोमेटिक स्टाइल है। तो थर्ड का टू हो जाएगा, किसमें दिया हुआ है, फोर ग में। एंड अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा जो है एक उत्तेजक होती है, अंदर की उत्तेजना होती है, तो स्टिमुलस आपका राइट हो जाएगा। अभिप्रेरणा में क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका उपलब्धि, हाइपोथेसिस, ठीक है। एंड दूसरा का हो जाएगा चौथा आक्रामकता का, आपका हो जाएगा स्टिमुलेंस। एंड इन्वर्टेड यू का हो जाएगा थर्ड, यानी कि चिंता, एंजाइटी। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर घ राइट है। नेक्स्ट है, अधिकतम ताकत का विकास किस आयु वर्ग से प्रारंभ होना चाहिए। तो दोस्तों 16 से 18 वर्ष में प्रारंभ होना चाहिए। पहले ही आप अधिकतम ताकत का देंगे तो वो गलत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बच्चे कोमल होते हैं, उसमें ज्यादा भार वहां पे प्रशिक्षण देना अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य से संबंधित स्वास्थ्य में यह शामिल नहीं है, यानी कि जो हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस है, जैसे कि फिजिकल फिटनेस मैंने बताया है आपको डिटेल में कि दो प्रकार के होते हैं, हेल्थ रिलेटेड और मोटर स्किल रिलेटेड। तो हेल्थ रिलेटेड में कौन नहीं है, तो हेल्थ रिलेटेड में है फ्लेक्सिबिलिटी एंड मसल्स एंड्योरेंस, मसल्स फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी कंपोजिशन, कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, ये है हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। तो यहाँ पे जो है फ्लेक्सिबिलिटी भी है, एंड्योरेंस भी है, बॉडी कंपोजिशन भी है, ये हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस है, बट गति यानी कि स्पीड नहीं है। नेक्स्ट है, अभिकथन ये है कि सारी शिक्षा के शिक्षक को उच्च कौशल युक्त होना चाहिए, राइट है। एंड आर है कि सारी शिक्षा के शिक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सिखाए जा रहे कौशल को सही प्रकार से प्रदर्शित करे। यहाँ पे आर ए दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है, सारी शिक्षा कक्षा के लिए समय सारणी यानी टाइम टेबल बनाते समय किन बातों पर ध्यान देगा। तो दोस्तों यहाँ पे संस्था के प्रधान की प्राथमिकता, नो, क्या उसकी क्यों प्राथमिकता होगी, अभिभावक की सुविधा, अभिभावक क्या करेगा स्कूल में, सुविधाएं की गुणवत्ता, नो, वो देखेगा कि यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा सुविधाएं की उपलब्धता होना चाहिए। दोस्तों राइट क्या हो जाएगा, सुविधाओं की उपलब्धता होना चाहिए और सारी शिक्षा के शिक्षकों की उपलब्धता, ये दोनों आपका राइट हो जाएगा। इस प्रकार आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ख, थर्ड और फोर्थ। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित आहार तत्व में शरीर के में ताप तथा ऊर्जा, हीट एंड एनर्जी कौन उत्पन्न नहीं करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट एंड वसा एनर्जी देता है, प्रोटीन शरीर का निर्माण करता है, बट खनिज पदार्थ एंड विटामिन जो है वो शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सा राइट हो जाएगा, तो विटामिन एंड खनिज लवण, ये दोनों आपके हीट एंड एनर्जी प्रदान नहीं करते हैं। तो टू और फोर किसमें दिया हो गया है, घ आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभिकथन ए है कि मोटापा ग्रस्त व्यक्ति का बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स 30 से अधिक होता है, ठीक है। एक राइट है कि मोटापा ग्रस्त व्यक्ति का जो बीएमआई होता है 30 से अधिक होता है, तो यहां पे मोटापा ग्रस्त व्यक्ति का जो बीएमआई होता है 30 से अधिक होता है। और आर है कि बीएमआई व्यक्ति की पौष्टिक दशा न्यूट्रिशनल स्टेटस को इंगित करता है, तो ये बात तो सही है, बट इसको बताना चाहिए कि कैसे अधिक होता है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों राइट है, बट आर ए की सही व्याख्या नहीं है। दोस्तों मोटापा ग्रस्त व्यक्ति का बीएमआई 30 से अधिक होता है, और ऑल गुड यानी परफेक्ट बॉडी कौन होता है, कितना बीएमआई रहना चाहिए, तो 22 आपका वर्ल्ड का बेस्ट बीएमआई है। और 18 से नीचे है तो अंडरवेट यानी कि आपके भार में कमी है, वही प्रक्रिया एंजाइटी, पाचन में कमजोरी, सुस्ती होगी आपकी अंडरवेट में भी और मोटापे में भी। नेक्स्ट है, मिलाना है आपको विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, रात्रि अंधत्व यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, 1 का 4 हो जाएगा। एंड विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, 2 का 3 हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से पायरिया,
थर्ड का वन हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, फोर्थ का टू हो जाएगा। इस प्रकार ग आपका राइट है। नेक्स्ट दोस्तों, थकान पूरी तरह दूर न होता नहीं होता है, किसने अति आवश्यक है। जैसा कि आपको पता है कि इंडोरेंस डेवलप करने की चार विधियां हैं, कंटीन्यूअस, इंटरवल, रिपीटेशन, कंपटीशन। तो इंटरवल मेथड में क्या होता है कि ट्रेनिंग जब करते हैं, जितना हार्ट रेट 180 पहुंचते ही ट्रेनिंग को रोक देते हैं, और जो ही हार्ट रेट 120 से 140 के मध्य पहुंचेगा, यानी पूर्ण रूप से थकान उसका दूर नहीं किया जाएगा, पुनः कार्य को शुरू कर दिया जाएगा, इनकम्प्लीट रिकवरी रहता है, थकान पूरी तरह से दूर नहीं होता था अंतराल प्रशिक्षण यानी इंटरवल ट्रेनिंग में। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतीकता के वर्गीकरण हेतु मापदंड क्या होना चाहिए। तो यहां पे ग आपका राइट हो जाएगा, यानी कि क्या होना चाहिए, पहले आपका होगा प्रतियोगिता आयोजित की रीति अपनानी चाहिए, उसके बाद प्रशिक्षण की पद्धति पक्ष अपनानी चाहिए, उसके बाद अनवरत उसको कंटिन्यू मेथड पर ट्रेनिंग देना चाहिए। नेक्स्ट है अभिकथन ए है कि प्रतिभा को पहचानने के लिए किसी खेल का चयन प्रथम चरण है। ठीक है, बात राइट है। अब प्रतिभा के तीन चरण हैं, तो आपके ख हो जाएगा, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है बंद प्रश्नावली में पूछे गए प्रश्नों के लिए किस प्रकार का उत्तर अपेक्षित होता है। तो बंद प्रश्नावली है तो उसमें आपका संक्षिप्त प्रकार के शॉर्ट रिस्पांस वाले क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट है दीर्घावधि खेल लॉन्ग टर्म स्पोर्ट प्रशिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण होते हैं, तो कौन से चरण होंगे लॉन्ग अवधि में। तो दोस्तों यहाँ पे राइट है, यानी कि पहले हम बुनियादी प्रशिक्षण देंगे, उसके बाद एडवांस प्रशिक्षण देंगे, उसके बाद उच्च प्रदर्शन हेतु प्रशिक्षण देंगे हाई परफॉर्मेंस के लिए, उसके बाद प्रशिक्षण स्तर को उसी तरह कायम रखेंगे, मेंटेनिंग परफॉर्मेंस, ठीक है, कायम रखने के लिए प्रशिक्षण देंगे। इस प्रकार कॉपर राइट है। नेक्स्ट है आपको मिलान करना है सही एक सूची से दूसरे सूची में, तो यहां पे आपका हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर है ख, यानी कि ये वन का थर्ड होगा। प्रतिभा का आयोजन जो है क्या है, प्रशिक्षण की अवस्था यानी स्टेज होती है। एंड एक सेकेंड दोस्तों, यहां पे जो है उच्च प्रदर्शन, या मैंने देखा नहीं, सॉरी इसके लिए, उच्च प्रदर्शन हाई प्रदर्शन जो होगा, हाई प्रदर्शन जो होगा उसका थर्ड होगा, यानी कि यह प्रशिक्षण की अवस्था स्टेज होगी। एंड दूसरा है प्रतियोगिता का आयोजन जो है वह प्रतियोगिता सिस्टम पर निर्भर करता है, फोर होगा। एंड बच्चों की स्क्रीनिंग, थर्ड है बच्चों की स्क्रीनिंग, यह प्रतिभा पहचान के लिए होती है। एंड प्रतियोगी फोर है प्रतियोगिता कार्य का गति या मोटर समाधान क्या होता है, यह रणनीति या कार्यवाही होती है। तो फोर का वन हो जाएगा। इस प्रकार ख आपका राइट होगा। नेक्स्ट है शोध में परिकल्पना हाइपोथेसिस क्या का क्या अर्थ है। शोध में परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस का क्या अर्थ है, तो इसका राइट हो जाएगा क। इसका अर्थ है बौद्धिक यानी इंटेलिजेंस एंड प्रतिभापूर्ण ब्रिलियंट अनुमान, एंड थर्ड है बुद्धिमत्तापूर्ण इंटेलिजेंस अनुमान, नकारात्मक अनुमान आपका नहीं होगा। नेक्स्ट है अभिकथन ए है कि वाह आलोचना एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में डेटा की शुद्धता एवं प्रमाणिकता ऑथेंटिसिटी स्थापित करती है। आर है शोधनकर्ताओं को सही डेटा प्राप्त करना चाहिए। तो यहां पे 35 का हो जाएगा ख, ए तथा आर दोनों सही है। नेक्स्ट है कि उपयुक्त सांख्यिकी प्रक्रिया स्टैटिकल प्रोसीजर के लिए चरणों की पहचान कीजिए। तो इसके चरण के लिए
आपका राइट है ऑप्शन नंबर ख, यानी कि इसमें चरण हो जाएगा पहला, डेटा को समूहों के मध्य मूल करेंगे, उसके बाद माध्य यानी समांतर माध्य मीन डिफरेंस निकालेंगे, उसके बाद टी वैल्यू देखेंगे, उसके बाद यथार्थता प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग सिग्निफिकेंस करेंगे। नेक्स्ट है कि यहाँ पे आपको दोनों को मिलान करना है, स्टैटिक्स से क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है ग, यानी कि मानक विचलन स्टैंडर्ड डिविएशन का सूत्र है 2 सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन, एंड 2 है माध्य यानी मीन का सूत्र है, इसका 3 हो जाएगा ए एम प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन गुड़े आई, एंड 3rd है टी वैल्यू, इसका सूत्र है 4 यानी एक्स वन माइनस एक्स टू अपॉन स्टैंडर्ड एरर, एंड 4th है चतुर्थांश विचलन क्वार्टिल डिविएशन, इसका हो जाएगा 1 यानी Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। इस प्रकार ग आपका राइट होगा। नेक्स्ट है कूपर के 12 मिनट रन वॉक टेस्ट द्वारा किसे मापा जाता है, तो दोस्तों कूपर ने 12 मिनट रन वॉक 1970 में बनाया, यह कार्डियो रेस्पिरेटरी इंडेक्स को मेजर करने के लिए, यहाँ ऑप्शन नंबर घ राइट हो जाएगा, हृदय एवं श्वास तंत्र की सहन शक्ति। नेक्स्ट है प्रदर्शन संबंधी सामर्थ्य में शामिल है, तो दोस्तों प्रदर्शन में मेन रूप से आपका पावर और कोऑर्डिनेशन मेन होता है, तो यहाँ पे शक्ति एंड फुर्ती यानी एजिलिटी मेन होगा, तो 1/4 कहाँ पे दिया हुआ है, घ आपका राइट हो जाएगा, 1/4 यानी घ आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिकथन ए है कि जॉनसन का बास्केटबॉल टेस्ट एक मानकीकृत परीक्षण है, जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट जिसको 1934 में बनाया गया, यह किसी स्किल का प्रथम सबसे पुराना स्किल टेस्ट है, तो जॉनसन का बास्केटबॉल टेस्ट एक मानकीकृत परीक्षण है, ये बात राइट है, ठीक है। एंड आर है कि जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट बास्केटबॉल खेलने की योग्यता का मूल्यांकन करता है, तो बास्केटबॉल जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट के अंतर्गत जॉनसन फील्ड गोल स्पीड टेस्ट, थ्रो फॉर एक्यूरेसी एंड बास्केटबॉल ड्रिबल टेस्ट होता है, तो खेलने की योग्यता नहीं स्किल की योग्यता का डेवलप करता है, इसलिए आपका ए राइट है और आर गलत है। नेक्स्ट है किसी मानकीकृत परीक्षण स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट को तैयार करने में 4 चरण निहित हैं, तो वो 4 चरण कौन है, इसका राइट आंसर है ख, यानी कि पहला चरण है आरंभिक रूप से तैयार करना, दूसरा है इसकी प्रमाणिकता के लिए परीक्षा करना, फिर तीसरा आपका हो जाएगा अंतिम रूप से तैयार करना, चौथा हो जाएगा आपका इसकी विश्वसनीयता को रिलेबिलिटी का परीक्षण करना। नेक्स्ट है आपको मिलाना है 1 से 2 सूची में, तो यहाँ पे बॉडी टाइप्स का जो पर्सनालिटी का टाइप होता है उस पर आधारित क्वेश्चन है, स्थूलता यानी एबोसिटी मोटापा वसा युक्त त्वचा शरीर किसका होता है, एंडोमॉर्फिक का, किसका, एंडोमॉर्फिक का, एंडोमॉर्फिक मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक, सेल्डन ने इसको बॉडी टाइप को दिया है तो एंडोमॉर्फिक हो जाएगा। एंड दोस्तों आपका मांसपेशी मतलब जो परफेक्ट बॉडी होता है, मजबूत बॉडी होता है, मसल्स मजबूत होता है, वो हो जाएगा आपका मेसोमॉर्फिक, तो 1 का 2 और 3rd का 1, 1 का 2 3rd का 1 कहाँ पे दिया है, यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा क ही। एंड 2 है रेखिकता लाइनरी यानी कि पतला शरीर, दुबला पतला शरीर आपका हो जाएगा एक्टोमॉर्फिक, तो 2 का 4 हो जाएगा। एंड नमनीता यानी फ्लेक्सिबिलिटी का मेजर कौन करता है, गोनियोमीटर, ठीक है, गोनियोमीटर फ्लेक्सिबिलिटी को मापता है, तो 3rd हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क आपका राइट है। नेक्स्ट है सारी शिक्षा को पाठ योजना में किस पर बल देना आवश्यक है, तो उसकी आयु क्या हो रही है बच्चे की, उस पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी है।
लेट है अभिकथन ए है कि सारी शिक्षा के शिक्षक को शिक्षा कार्य के साथ साथ व्यवहारिक कौशल भी में भी दक्ष होना चाहिए, ये बात तो राइट है। एंड आर है कि सारी शिक्षा व्यवसाय सामाजिक के दो संदर्भ में है, बट ए आपका राइट है दोस्तों, लेकिन आर नहीं लग रहा है कि इसका सही व्याख्या है, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा ख कि ए आर दोनों सही है बट आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी आपको मिलान करना है, तो अंतर विद्यालय यानी कि इंट्राम्यूरल जो होगा क्या है, एक प्रतियोगिता है, टू का क्या हो जाएगा, वन का टू हो जाएगा, वन का टू हो जाएगा। फिर है वित्त यानी फाइनेंस, वित्त यानी फाइनेंस का क्या हो जाएगा, वित्त यानी फाइनेंस का हो जाएगा थ्री, विनियोजन, ठीक है। एंड पर्यवेक्षण सुपरविजन का क्या हो जाएगा, यह निरीक्षण करता है, इसलिए वन हो जाएगा। एंड आंतरिक संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा आपका अभिन्यास लेआउट। इस प्रकार ऑप्शन नंबर को आपका राइट होगा। नेक्स्ट है प्रस्तुतिकरण के निम्नलिखित गुण हैं, तो प्रस्तुतिकरण के गुण हैं, यहाँ पे ख राइट होगा, प्रस्तुतिकरण के गुण हैं, ख यहाँ पे राइट होगा। यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रदर्शन यानी डिमोन्स्ट्रेशन, उसके बाद उसकी व्याख्या करेंगे, उसके बाद अभ्यास और परीक्षा करेंगे, सुपरविजन निरीक्षण करेंगे, उसके बाद प्रतिसूचना यानी फीडबैक देंगे, यहाँ पे ख पर राइट होगा। यहाँ पे कुछ इंट्रक्शन दिया हुआ पढ़ने के लिए जिसके आधार पर क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, तो इसको पढ़ने का टाइम नहीं है, मैं चलती हूँ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका कि शारीरिक शिक्षा अध्यापन से प्राप्त होने वाले पुरस्कारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है शारीरिक शिक्षा अध्यापन से प्राप्त होने वाले पुरस्कारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि स्वस्थ जीवन शैली को प्रोन्नत यानी प्रमोटेट किया जाए। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा का अध्यापक किस कारण शारीरिक शिक्षा कार्यकलाप को अपनाता है, तो किस कारण से शारीरिक शिक्षा का अध्यापक शारीरिक शिक्षा कार्यकलाप को अपनाता है, तो बच्चों के प्रति प्यार के लिए, ठीक है, बच्चों के प्रति प्यार के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका राइट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कारण किसी व्यक्ति को शिक्षा व्यवसाय में आने के लिए प्रभावित करता है, तो कौन सा कारण करता है दोस्तों, वैयक्तिक अभिरुचि, आपका जिसमें रुचि होगा उसी में आप जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा अध्यापन कार्य की प्रकृति है, तो कैसी प्रकृति है दोस्तों शारीरिक शिक्षा अध्यापन कार्य की प्रकृति, तो इसका है अध्यापन का अनौपचारिक रूप, ठीक है। तो दोस्तों ये था 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे दोस्तों, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जो भी डाउट हो कमेंट में जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए दोस्तों, एंड इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ, अवश्य सफलता मिलेगी। फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।